साई केतन कितना ज्यादा डम है, कितना ज्यादा बेकार है, ये चीज तो भाई अब पता चल ही गई है। और मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि आखिरकार मैं डम बेकार साई केतन को क्यों बोलती हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे चैनल पे आते हैं और साई केतन के फैन हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं साई केतन को कभी गटर बोलती हूँ, कभी डम बोलती हूँ, कभी बेकार बोलती हूँ। तब उनको साई केतन के खिलाफ ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और अपने बारे में बोलते रहते हैं कि नहीं वो अच्छा है, उसके बारे में ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। तो मैं भी तो भाई सब चीजें देख रही हूँ। कुछ लोगों की आंखों पे पट्टी बंध सकती है पर मेरी आंखों पे तो पट्टी नहीं है, क्योंकि मैं तो आंखें एकदम खोल के लाइव फीड देखती भी हूँ और मेरे हिसाब से जो पॉइंट ऑफ व्यू बनती है, जो गॉसिप बनती है, वो मैं अपनी वीडियो के जरिए जो है आप तक पहुंचाती हूँ। स्लाइड से जो है समय समय पर सामान आएगा, तो लड़कियां भी बीच में हैं, लड़के भी बीच में हैं। तो अरमान मलिक ने यहाँ पर एक माइंड गेम भी खेली, जहां पर अरमान मलिक को पता चल गया कि जो विशाल की टीम में है वो एक ही लड़की है, तो अब जो है, और वो भी मुनीशा है। मुनीशा जो है इतना शायद एक्टिविटी नहीं कर पाएगी बाकी लड़कियों के कंपैरिजन में, बाकी लड़कियां जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, यंग है, तो वो चीज़ कर पाएंगे। तो सीधा सीधा जो है विशाल के ऊपर टारगेट किया और वहां पर ये बात बोल दी कि अब लड़कियां ही जाएंगी, लड़के पीछे हट जाओ। अभी पोपड़ तो है ही साई केतन, अभी जो भी बात बोली अरमान ने वो बात वो चुपचाप मान गया। इसके बाद देखा मुनीशा ने देखा कि भाई हर एक टीम से जो है, यानी कि शिवानी की टीम से भी दो लड़कियां हैं, रणवीर की भी टीम से दो लड़कियां हैं, पर विशाल की टीम से सिर्फ मैं ही हूं, तो उसने आवाज उठाई और ये बात बोला कि भाई ये तो अनफेयर है, हर एक टीम से दो दो लड़कियां हैं पर उसकी टीम से सिर्फ एक ही लड़की है, तो ऐसा करते हैं कि कटारिया को बुला लेते हैं। तो कटारिया को वहां पर लड़कियों ने बुला लिया। बुलाने के बाद अरमान और साई केतन आ गए कि नहीं अगर वो आएगा तो हम भी आएंगे। तो इसका सल्यूशन हुआ कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है कि लड़के तो आने नहीं चाहिए, ऐसा करते हैं कि हर एक टीम से एक एक लड़की ही यहां पर रहेगी। तो सबने बोला हाँ चलो ठीक है, रणवीर की टीम से एक लड़की, शिवानी की टीम से एक लड़की और विशाल की टीम से मुनीशा है, वो वहां पर रहेगी। पर जैसे ही लाइट से सामान आने लगा, वैसे जो है अपनी डमनेस और जो बेकार चीजें हैं वो साई केतन करने लग गया, आके जो है फटाफट डॉल उठाने लग गया। तो ये चीज जो है साई केतन ने की, और साई केतन जो है डॉल्स उठाने के बाद जब डॉल उठाई तब वहां पर ऑटोमेटिकली जो है बिना कुछ बहस बसैया या लड़ाई करने की जगह पर जो है लव कटारिया ने यही बात सोची कि भाई पहले मैं अपना काम कर लूं, पहले मैं अपना सामान उठा लूं, तो उसने भी सामान उठाना शुरू किया। और ऊपर से देखो बोलते हैं ना कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, और वही बात हुई, खुद गलती की, खुद ये चीजें की, और बाद में साई केतन बोल रहा है कि पहले कटारिया आया, जहां पर लड़कियों ने जो है उस चीज का साथ दिया कि नहीं पहले कटारिया नहीं, पहले तू आया और तूने ये सब चीजें शुरू की है, इसीलिए मैं इस इंसान को डम बोलती हूं, बेकार बोलती हूं, और वो नेगेटिव है और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लोगों के साथ भी रहता है, जैसे कि अरमान मलिक काफी ज्यादा नेगेटिव हुआ है, उसको बहुत ज्यादा झटका लगा है कि भाई मेरा नाम तो लाइव फीड में आ ही नहीं रहा, मुझे तो कोई देखना नहीं चाहता, मेरी बंदी तो भाई बाहर भी चली गई है, अब मुझे कुछ तुछ करके जो है मुझे अब भी यहां पर रहना है चाहे मैं कुछ भी करूं। इसीलिए जो है विशाल, जो कि विशालियन विशालियन लोग करते रहते हैं, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उसको जो है वो सीधा सीधा टारगेट कर रहा है, और ये गेम चलते हुए भी जो है लगातार वो पोक किए जा रहा है कि इस टास्क में भी जो है लड़ाई हो, और एक गेम भी जो है उसने माइंड गेम खेली है, और फिर भी जो है उसकी माइंड गेम भाई कोई भी काम नहीं की, जिसको जो मिलना है उसको वो तो मिलेगा ही, जिसकी जो किस्मत है उससे कोई भी छीन नहीं सकता है। क्या है आपका कहना बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।